एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ सेक ऑफ 4a इक्वल टू कॉस सेक ऑफ ए माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार हमने कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो लिख लिए हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर, ऐसा ये पूरा टेबल हमने बना लिया। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए ये टेबल। तो क्या है सेक 4a हमारे पास, तो सेक के पास चलेंगे हम। सेक कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पास सेक है यहाँ पे। सेक किसके बराबर है, कॉस सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हमारा ये सेक क्या है, हमारा जो क्वेश्चन में है वो गिवन है सेक 4a, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 4a। तो आए का क्या हमारे पास सेक कितना आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कॉस सेक ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या आएगा 4a, क्योंकि थीटा जो है हमारा 4a। तो सेक 4a की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस सेक ऑफ 90 माइनस 4a। तो गिवन से शुरू करेंगे, गिवन क्या हमारे पास, सेक ऑफ 4a इक्वल टू कॉस सेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो सेक 4a की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस सेक ऑफ 90 माइनस 4a, ठीक है, इक्वल टू कॉस सेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। सेक 4a की जगह पर लिखा कॉस सेक 90 माइनस 4a, और ये जो है ऐसा ही है आ गया सिमिलर। एक बार फिर बता दूं कि ये सेक 4a की जगह पर ये कहाँ से आया है, हम चलेंगे सेक के पास। सेक की किसके बराबर होता है, कॉस सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉस सेक 90 माइनस थीटा। लेकिन हमारा जो थीटा है इसमें सेक थीटा जो है वो 4a है, तो क्या आ जाएगा, कॉस सेक ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस सेक ऑफ 90 माइनस 4a, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 4a। तो कॉस सेक 90 माइनस 4a ये आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इनको देखो कॉसेक और ये कॉसेक सिमिलर है, इसका मतलब है हेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कॉसेक कॉसेक सिमिलर है, तो इसका मतलब ये एंगल भी जो है सिमिलर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस 4a किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा माइनस 4a, इस साइड ये a लेके आएंगे तो माइनस a इक्वल टू माइनस 20, ये 90 उस साइड चला जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा माइनस 4a माइनस a कितना होगा, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू आ जाएगा 110 अपॉन 5, ये आ जाएगा 5 × 10 और 5 × 10 22 डिग्री। तो एंगल a कितना आ गया हमारे पास, एंगल a जो है वो आ गया हमारे पास 22 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि हमें पूछा गया था ये अगर ये इसके बराबर है तो वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू कितनी आ गई है 22 डिग्री, और 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब है कि लेस देन 90 डिग्री। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, a की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 4a बोलता है एक्यूट एंगल, 4 टू 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 88 डिग्री आ गया, तो भी ये लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो एंगल ए जो है 22 डिग्री इसका आंसर आ गया। बच्चों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।